हाँ जी अस्सलाम वालेकुम फजलू चाचा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो यहाँ? सब ठीक ठाक। कहाँ चलना है? शाकिर चाचा के यहाँ, पुरानी हवेली। करवा के रखती है। मैं तो उसके पीछे भी गई थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने तो मेरी एक नहीं सुनी। क्या कहा? पता नहीं। सब लोगों की नजरें हमारी तरफ। आहिस्ता बोलो। क्यों तमाशा बना रहे हो तुम? अरे हमाद भाई, आप यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली कुछ किताबें देखनी थी। वैसे तो वक्त मिलता ही नहीं है ना।
मेरा ख्याल है आपकी सहेली को मेरी यहाँ मौजूदगी अच्छी नहीं लगी। कोई बात नहीं, आप लोग अंदर आ जाएं, मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। आखिर उसे देख के मुझे हो क्या जाता है? ये क्या था निकित? मुझे क्या पता कि वो पहले से ही यहाँ है। सॉरी, मैं देख के आती हूँ कि वो गए हैं कि नहीं। आप ही, मैं भी आई। इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई शायर छुपा होता है, बस ज़रा सी तहरीक मिलने की देर होती है, खुद ब खुद शेर होने लगते हैं, लतीफ़ें मिलने लगती हैं, काफ़ी जो होता है। I'm sorry, मैं आपका सर रास्ता रोकने में बहुत माजरा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए। देखिए, मैं जानता हूँ मेरी हरकत शायद मुझे आपकी नज़रों में सारी ज़िंदगी के लिए गिरा दे। मैं आपसे एक बार फिर इस रास्ता रोकने पे बहुत माजरा चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत मजबूर होकर एक कदम उठाया। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आखिर आप क्या चाहते हैं? मुझे जाने दीजिए खुदा के वास्ते। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है, मेरा आप अपना नहीं रहा। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जिनसे मैं अपनी कैफियत आप तक बयान कर सकूँ। दुनिया की तमाम डिक्शनरियों के सारे अल्फाज मेरी जज्बे की सच्चाई को बयान करने के लिए मुझे बहुत छोटे, बहुत आमियाना लग रहे हैं। मैं जानता हूँ शायद ये हरकत भी बहुत आमियाना, बहुत हल्की है, मगर मैं क्या करूँ? शायद ये मेरी और मेरे दिल की मजबूरी थी जिसने मुझे आप तक पहुंचने के लिए ये गिरावट तरीका अख्तियार करने पर मजबूर किया। आप हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज। आपने जो कहना था कह दिया, मुझे जाने दीजिए, अब मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। सुनिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा।
कितने पैसे हो गए? अरे मौलवी साहब, पैसों की क्या बात करते हैं, बोले मौलवी साहब से हिसाब है, ले लूंगा। आप ही खुदा के लिए तोखड़ी मेरी बात तो सुन ले। तुम तो मुझसे बात ना करो हया, तुमसे ऐसी गिरी भी हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम और निकट मिले हुए थे ना, तुम जानती थी वो लड़का इस रड़ी में मौजूद है, फिर भी तुम मुझे वहां ले गई। मैं सोच नहीं सकती थी मेरी अपनी सगी बहन मुझसे धोखा करेगी। और निकट, उसका तो चेहरा मैं जिंदगी भर नहीं देखूंगी। आप ही माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आपको मेरी कसम। जाओ यहां से, जाओ। हमाद बाबा, आप कहाँ थे? शाम से बड़े साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, बड़े गुस्से में हैं। मैं जानता हूँ किस लिए गुस्से में। रुक जाओ, कहां से आ रहे हो? एक जरूरी काम से गया था। तुम्हारे जरूरी काम की ऐसी की तैसी। तुम्हारी मां ने तुमको यह नहीं बताया था कि आज के इस डिनर में तुम्हारा यहां पे होना कितना जरूरी है? जी बताया था, और मैंने भी मॉम को अपनी मजबूरी उसी वक्त बयान कर दी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? डू यू नो कि तुम्हारी वजह से आज मैं कितना एम्बेरस हुआ हूं यहां पे? अजीब वो गरीब किस्म के बहाने बनाता रहा हूं कि तुम यहां क्यों नहीं हो। यू हैव रियली लेट मी डाउन। लेकिन इसे हमारी शर्मिंदगी से क्या? इसे तो जमाने भर के सो कॉल्ड सोशल वर्क से मतलब है। घर वालों की, पेरेंट्स की इज्जत जाए खाक में। कम ऑन मॉम, आपको किसने कहा था कि आप मेरी जिंदगी के फैसले करती फिरे? या किसी ऐसे शख्स के साथ मुझे जिंदगी भर बांधने की प्लानिंग करती रहे जिसे मैं ठीक से जानता तक नहीं हूं, जिसे मैं पसंद तक नहीं करता? पसंद नहीं किया तो ना पसंद करने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। Is there somebody else? कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? जी हाँ, यही समझ लीजिए। क्या? कौन है वो? और तुमने पहले हमें ये बताया क्यों नहीं? वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा आप लोगों को। और प्लीज, ये मेरी जिंदगी का फैसला है, इसलिए बराह मेहरबानी ये फैसले आप मुझे खुद ही करने दीजिए। हमाद, अब सुन रहे हैं ये क्या क्या कर गया? इसकी जिंदगी के फैसले। Thank you.
उसकी ना अपनी जबान ना अपनी जबान ना कान ना कान। आखिर आप क्या चाहते हैं? मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है मेरा आप अपना नहीं रहा। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं जिससे मैं अपनी कैफियत आप तक बयान कर सकूँ। दुनिया की तमाम डिक्शनरियों के सारे अल्फाज मेरी मेरी जज्बे की सच्चाई को बयान करने के लिए मुझे बहुत छोटे बहुत अमियाना लगते हैं। पुराने मोहल्ले में कोई एक भी ऐसा घर नहीं था जहाँ से उसके लिए रिश्ता ना आया, रिश्ता ना उसके अपने खानदान में कोई एक ऐसा लड़का नहीं, ऐसा लड़का रिश्ता ना मांगा, रिश्ता ना मांगा। लेकिन वो एक बहुत पाकबाज लड़का, पाकबाज लड़का, किसी की तरफ पलक उठा के भी नहीं देखा, के भी नहीं देखा। खुदा के लिए मुझे जाने दी, खुदा के वास्ते, खुदा। وعلیکم السلام۔ یا اللہ خیر، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہم انی اسألک۔ جیتے رہو بیٹے، جیتے رہو۔ تایا جان، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس دن شاکر چچا کے یہاں سے گھر والوں کو لانے میں دیر ہو گئی تھی۔ نہیں، ناراضگی تو ایسی کوئی نہیں ہے، مگر عبداللہ میاں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے عورتوں کا مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنا ذرا پسند نہیں ہے۔ ان عورتوں کو تو وقت کا احساس نہیں ہے، کم از کم تمہیں تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ جی، معذرت چاہتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میری ہی کوتاہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اچھا، تم بھی اپنے دل سے نکال دو یہ شرمندگی، میں جانتا ہوں تم کتنے سعادت مند بچے ہو۔ ہاں، اچھا کیا۔ اور امی ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسے؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم چچا جان۔ وعلیکم السلام۔ بھائی، یہ صبح صبح کہاں سے طوفان میل کی طرح آ رہی ہو؟ اور پھر کتنی مرتبہ کا ہے بیٹا کہ پورا سلام کیا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معافی چاہتی ہوں چچا جان، ایمان اور حیا کہاں ہیں؟ وہ اوپر ہیں، لیکن ابھی کل تو وہ تم سے مل کر آ رہی ہیں۔ لگتا ہے تمہاری باتوں کی پٹاری ابھی خالی نہیں ہوئی۔ چچا جان، میں ایمان سے اگر ساری زندگی بھی باتیں کرتی رہوں تو میرا دل کبھی نہیں بھرے گا، میں ان دونوں سے مل کر آتی ہوں۔ ہاں جاؤ جاؤ جاؤ۔ بڑا ہی پیار ہے ان بچیوں میں، وہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گھر کے کام کاج کس وقت کرتی ہے۔ ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں ان کے، ذرا خوش ہونے دیں مولوی جی۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے تم دونوں سے بات نہیں کرنی، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ دیکھو، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے معاف کر دو، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ جو کرنا ہے کر لو، میری جان چھوڑو تو ٹھیک ہے، میرا نام بھی نگت ہے، میں بھی تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گی جب تک تم میری بات نہیں مانو۔ کیا بدتمیزی ہے، ابا گھر میں ہے، اٹھو یہاں سے۔ اٹھ جاؤں گی، پہلے تم اپنی ناراضگی ختم کرو۔ نگت، میں کہہ رہی ہوں یہاں سے اٹھو۔ بھائی حیا، ایمان کا آؤ۔
वो देखो आप ही। समझ में नहीं आ रहा कि हमाद की इस हमाकत को आपके सामने डिफेंड करूं या उस पर गुस्सा करूं। इस लड़के ने तो हमारी आंखें झुका दी हैं तुम्हारे सामने। नहीं नहीं, ऐसी एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है भाई। उस उम्र में बच्चे नौजवान ऐसी छोटी मोटी बगावत कर ही लेते हैं। कभी वैसे इसने कोई इशारा, कोई कनाया, कोई पसंद नापसंद का जिक्र किया? मुझे लगता है उसको कुछ वक्त चाहिए। मेरी तो ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है, जिस तरह मेरी एक बेटी इस घर की बहू है, मेरी दोनों बच्चियां इसी घर की बहुएं बनकर आएं। एक बाप की इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसकी दोनों बेटियां एक ही घर में। बहरहाल हम्माद को कुछ वक्त दो। चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। अदरक डलवाइए खास तौर पर आपके लिए इसमें। हाँ जी, अब तो अदरक ही। बस भी कर दो ईमान, नहीं तो मैं रो रो कर यही अपनी जान दे दूंगी। वादा करो निकट, तुम जिंदगी में कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी। मुझे मेरी नसरों में गिराने से बेहतर तुम खुद अपने हाथों से मेरी जान ले लो। मैं अपने अब्बा का गुरूर हूँ, मैं मान हूँ उनका, और ये गुरूर टूटने से पहले मैं खुद को फना करना पसंद करूँगी। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी तकलीफ दी है। मुझे आखिरी बार माफ कर दो, मैं जानती मैं बहुत बुरी हूँ। मैं जाओ अब्बा को तस्बीह देकर आओ। जी आप। तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? आप नहीं जानती मैं कितना इंसल्टेड फील कर रही हूँ। आई मीन हाउ डेयर ही। इधर आओ मेरे पास, बैठो यहाँ पे। अपने आप पर और अपने गुस्से पर काबू रखो। जब तक मैं इस घर में हूं, हमाद की बीवी बनकर कोई और नहीं आ सकती। ट्रस्ट मी। रहने दे, अब तो उसने साफ मना कर दिया शादी से। आप ना जाने कौन से ख्वाब अपनी आंखों में सजाए बैठी हैं। अरे तुम तो जानती हो मेरी को, उसकी जिंदगी में लड़कियों का आना जाना लगा रहता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम। और अगर कोई अफेयर है भी ना, तो वो दो चार दिन में अपनी मौत खुद मर जाएगा। अपनी बहन पर एतबार रखो। आप पर तो यकीन है, लेकिन अब अपनी किस्मत पर नहीं। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है। मैं उसे बहुत चाहती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये हकीकत तो मैंने तुम्हारी आंखों में बहुत पहले देख ली थी। अब ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत ही नहीं है, मेरी अना भी है, और मैं अपनी अना की जंग जीत के रहूंगी। डोंट यू वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाय, अरे भाई इस उम्र में ऐनक लगा के बिना सुई में धागा नहीं डाला जा रहा। नजर कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है। हमाद भाई सुनो, रुको। देखो इतनी ज्यादा फरमाइशें करके ना अपने भाई को तंग ना किया करो। भले वो तुम्हें अपनी बहन समझता है, लेकिन बहनों को भी ये जेब नहीं देता कि हर वक्त मुंह खोल के बैठी रहे। भाई बड़े घर का बच्चा है वो। अम्मा मैं हमाद भाई से कुछ नहीं मांगती, वो अपने ही किसी काम से आए होंगे। हवेली जाकर देखती हूँ मैं।
इस लड़की का भी कुछ कभी नहीं पता चलता, पल में तोला पल में माशा। इस वक्त मेरी हालत उस बच्चे जैसी है जो एग्जामिनेशन में सारे पेपर्स खराब देकर आया और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा हो कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता ये मेरी खुशफहमी है या खुद को बहलाने का कोई जरिया। हौसला रखो यार, अभी तो इश्क के कई इम्तिहान बाकी हैं, तुम्हारे घर वालों से पहाड़ जितनी मुखालफत भी बाकी है, और तुम जानते हो कि अंकल आंटी उसे कभी अपने घर की बहू तस्लीम नहीं करेंगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है का, बस एक बार वो अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए खोल दे तो इस कायनात में मौजूद हर पहाड़ से टकराने के लिए तैयार, अपने खून के आखिरी कतरे तक अपना माथा फोड़ने के लिए राजी। चलो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। मुझे अफसोस है हमाद भाई, मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। क्या मतलब? उसने इनकार कर दिया है क्या? इनकार या इकरार की तो बात ही नहीं है, वो तो इस मौजू पर बात भी नहीं करना चाहती। जिस जज्बे को आप मोहब्बत का नाम देते हैं वो उसे गुनाह कबीरा समझती है, और अपने माँ बाप की इज्जत पर हर्फ आने से पहले ही वो अपने आप को खत्म कर देना सही समझती है। तो क्या करूँ मैं? जान तो मेरी भी धीरे धीरे निकल ही रही है ना, क्या इसी तरह कतरा कतरा मरने का इंतजार करता रहूं? हमाद भाई, मेरी माने तो आप ईमान के घर रिश्ता भिजवा दें, और जितनी जल्दी हो सकता है उतना बेहतर है, क्योंकि मैं ईमान को जानती हूँ, उसके दिल का हर रिश्ता मौलवी साहब के घर के सहन से होके गुजरता। फिर तो अब्बा जान इस बात में शक पैदा हो गया ना, कोई वाज़े हुक्म तो नहीं किया गया इस अमर के लिए? बेटा ज़रूरी नहीं है कि हर बात के लिए वाज़े हुक्म ही आए। इंसान अपनी अक्ल से बाज़ वाक़ियात और हालात और अहादीस की रोशनी में मामलात को तय करता है। इस नज़रिए से देखोगी तो बात वाज़े हो जाएगी। जी, मगर अब्बा जान, क्या इंसानी जहन पे इतना एतबार करना ठीक होगा? ये अच्छा सवाल। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, और अगर आपने ईमान तक पहुँचना है तो मौलवी साहब के घर का सहन उनकी इजाज़त से पार करना होगा, वरना उसके दिल का दरवाज़ा कभी आपके लिए नहीं खुल सकता। लेकिन मुतशाबहात में आपको चाहे आप सारी जिंदगी उसके दर की चौखट पे अपना माथा रगड़ते रहें। वो ये ताला कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि इसकी चाबी वो असल से ही अपने वालिद को दे चुकी है। मजबूत है, ये तो पता है। तो क्या उसके घर वाले मान जाएंगे? मेरा मतलब है, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है हमाद भाई। वो मरते मर जाएगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कदम उठाना तो दूर, वो अपनी जबान से एक लफ्ज़ भी नहीं कहेगी। ठीक है, मैं आज ही मोम और डैड के सामने प्रपोजल रखता हूँ। ये बाजी मेरे लिए हार और जीत से कहीं बढ़कर है, बस दुआ करना हार ना। मेरी हर दुआ आपके साथ है हमाद भाई, बस बड़े घर का गरूर इस रिश्ते के बीच में ना आ जाए। बस बड़े घर का गरूर इस रिश्ते के बीच में ना आ जाए। पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? डिस्गस्टिंग। बाप दादा का नाम मिट्टी में मिलाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। तुम होश में तो हो? What's wrong with you, man? आप लोगों ने मेरी पसंद मुझसे पूछी थी ना, तो मैंने अपनी पसंद आप लोगों को बता दी, और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग बाकायदा मेरा रिश्ता लेकर उनके घर जाइए। क्या? Have you gone mad? मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर एक मौलवी के घर जाऊं? अमजद रजा, जिसका नाम हुकूमत के ऐवानों में गूंजता है, एक
अदना मौलवी के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाएगा? शर्म नहीं आती तुम्हें? Good choice, bro. I'm with you. Behave yourself. You must be joking. No, mom. I'm actually serious. मैंने उन्हें पार्टी में देखा था. And she was quite graceful. बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी मैं उसी दिन, जिस दिन वो शरीफजादी हमारे घर में आई थी, वो भी बिन बुलाए. अच्छे तरीके से जानती हूँ कि नीच घरों की लड़कियों के पास क्या क्या हथकंडे होते हैं इन बड़े घर के लड़कों को फांसने के. Enough, भाभी. हद होती है बात की. ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना फैसला है. ले वो तो ठीक से मेरा नाम तक नहीं जानती. अबरीना बिल्कुल ठीक कह रही है. ये सारा जाल उस मौलवी का बिछाया हुआ है जो अपनी जवान बेटी को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और तुम उस लड़की की साइड बिल्कुल नहीं लोगे. इस सारे खेल में वो अपने बाप के साथ बराबर की शरीक है. यही यही हथकंडे होते हैं छोटे लोगों के. छोटे वो लोग नहीं, छोटे आप लोग हैं. और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आज तक आप जैसे छोटे लोगों में जिंदा रहता रहा हूं, और यही मेरी बदकिस्मती है. ये क्या? हम मौत तो मेरी बात सुन. सुन रहे हो? ये क्या बोल कर गया हम सबके बीच? यानी एक मौलवी की बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहता है, ये शादी करना चाहता है उससे? हरगिज नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा. नेवर, नेवर. नेवर. व्हाट? हाउ डिस्गस्टिंग. मौलवी की बेटी? मैडी का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मुझे भी ऐसा ही लगता है. हाँ, तो मैडी ने हद ही कर दी. उसको इस तरह से चीखते चिल्लाते हुए मैंने हद से पहले कभी नहीं देखा. इतना चीख चिल्ला रहा था. I think he has totally gone mad. अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी. अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इन मौलवियों के पास अपने मकासद के हसूल के लिए बहुत से तावीज गंडे होते हैं. और यकीनन उस शरीफजादी ने भी कुछ ना कुछ खोल के जरूर पिलाया है मैडी को. मेरा नाम भी अबरीना है और हर शहर का तोड़ मेरे पास भी मौजूद है. तुम बस चुप करके देखती जाओ कि मैं करती क्या हूँ. अच्छा, हम डिटेल में बाद में बात करेंगे. सजाद इस वक्त घर में है, कुछ टेंस है, मैं उन्हें देख लूँ. ओके, बाय.